हेलो गाइस वेलकम टू अनवर्ड एकेडमी आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस 200 सौ ईयर क्वेश्चन पेपर में से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर ये आपकी जितने भी स्टेट पीएससी हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गारंटी के साथ आपको इसमें कहा जा सकता है कि 50 टू 60 परसेंट क्वेश्चन आउट ऑफ हंड्रेड जी हाँ आउट ऑफ हंड्रेड आपको इसी से आने वाले हैं आज का सेशन केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर पे बेस्ड है सो लेस्ट एट स्टार्ट सेशन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर लगभग सौ स्टेट पीएससी के हैं, के हैं उन सब के पेपर वाइज आने वाले चैप्टर चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन तो फ्रेंच नोवलमैन एंड केमिस्ट एंटोनी लेर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेर इज मोस्ट नोटेड फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रोल ऑक्सीजन प्लेस इन कंबशन ऑक्सीजन का क्या काम है कंबशन में उसके खोज के लिए इनको बहुत जाना जाता है ही इज रिकोगनाइज एंड नेम्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन 1783 तो ऑक्सीजन का सत्रह में और हाइड्रोजन का सत्रह में इन्होंने नेमिंग ही किया था तो इसके लिए लेवर्जर को हम जानते हैं और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट देंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड जो सेंटर ऑफ एटम है वहां पे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसको क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस तो याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है इसको मिलाकर के न्यूक्लियस बनता है और ये सेंटर ऑफ एटम में रहता है अगला क्वेश्चन है So, उसके न्यूट्रॉन और प्रोटोन को मिला करके बनता है क्या न्यूक्लियसोन एंड न्यूट्रॉन्यूक्लियर इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ दबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फिर से ऑप्शन को देखते हैं न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस नहीं न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन जो है वो फाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो सारे ऑप्शंस आपको पहले ध्यान से पढ़ने होंगे उसके बाद आप आंसर्स पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड गलत हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस तो ये अपना सही आंसर हो जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप रिपीटिशन देख रहे होंगे क्वेश्चंस कितनी बार पूछे जा रहे हैं सीधी एक्सप्लेनेशन है वो यानी कि ऑलरेडी वो आपको ऊपर की तरफ मिल चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम इनमें से कौन जो है एटम का पार्ट नहीं है तो देखिए इलेक्ट्रॉन पार्ट होता है न्यूट्रॉन पार्ट होता है प्रोटोन पार्ट होता है लेकिन फोटोन जो है वो एटम का पार्ट नहीं है प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर पार्ट ऑफ एटम बट द फोटोन इज एसोसिएटेड विथ लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी से फोटोन एसोसिएटेड होता है एंड ऑल्सो नोन एज एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट

जरिएवर तो किया था दि प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन मॉडल ऑफ न्यूक्लियस वॉज प्रोपोज बाई दिमित्री इवेनकोव तो अगर पूछा जाए कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन का जो मॉडल है वो किसके द्वारा प्रोपोज किया गया था तो वो दिमित्री इवेनेकोव के द्वारा प्रपोज किया गया था कब तो तो 1932 में तो इसको आप याद रख सकते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो किसके द्वारा किया गया है तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है गोल्ड एक्सपेरिमेंट के जरिए अगला क्वेश्चन है इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था तो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज रिमेंबर दिस कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होता है इट डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक इन नाइनटीन थर्टी टू ही पार्टिकल देन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल इमर्जेस फ्रॉम दोज एटम

थ्री मेन सब एटोमिक पार्टिकल डेट फॉर्म एंड एटम आर प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ड्यूट्रोन कॉन्टेंट्स ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ओके तो याद रखिएगा सब एटोमिक पूछा है, लेकिन ड्यूट्रॉन किससे बनता है दो से किससे प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन से तो हम ड्यूट्रॉन को सब एटोमिक पार्टिकल नहीं कह सकते हैं विच वन ऑफ दूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर इनमें से कौन सा जो पेयर है वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर है पोजिस्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल और द एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो रिमेंबर अगर पार्टिकल पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसी का एंटी पार्ट अगर पूछा जाए तो जा वो है पोजिस्ट्रॉन या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन इसका नाम है द दोजिस्ट्रॉन हैज एन एन पोजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द सेम मास एज इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है वहीं पे पोजिस्ट्रॉन में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका उल्टा हो गया ना तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नेक्स्ट है मैच दो लिस्ट दिए गए इसमें हमको मैच तो हम जीरो मास की बात करें तो ये हो जाता है न्यूट्रॉन जीरो मास वहीं पे अगर हम फ्रैक्शनल स्पिन की बात करें तो वो हो जाता है पोजिस्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन इज फ्रैक्शनल स्पिन वहीं पे अगर इंटीग्रल स्पिन की बात करें तो ये हो जाता है फोनोन वहीं पे अगर हम फ्रैक्शनल चार्ज की बात करें तो ये हो जाता है अपना क्वार्क। रिमेंबर दिस पोजिस्ट्रॉन हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस वन तो पोजिस्ट्रॉन तो के बारे में हम लोगों ने बात किया ओके okay? कि सी जो फ्रैक्शनल स्पिन है एंड हैज एंड स्पिन ऑफ हाफ

एक्टिव एलिमेंट एंड आर एलिमेंट्री पार्टिकल डेट लैक एन इलेक्ट्रिक चार्ज्रिय में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है एंड अ वेरी स्मॉल मास विच माइट इवन बी जीरोट होता है फोटोन की जैसा ही जैसे एक क्वांटम जैसे वाइब्रेशन से जनरेट होता है मैकेनिकल एनर्जी आप इसे कह सकते हैं आ, क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी या फिर डिस्क्रिक्ट यूनिट भी इसको कहा जा सकता है इज अ क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट एनर्जी फोनोन हैज इंटीग्रल स्पिन लाइक फोटोन फोनोन के पास भी एक इं, इंटीग्रल स्पिन होता है फोटोन के जैसा इसके बाद इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इनमें से कौन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है तो क्वार्क जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है इन पार्टिकल फिजिक्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल पार्टिकल और फंडामेंटल सब सब नो स्ट्रक्चर दस नॉट कम्पोज ऑफ अदर पार्टिकल यानी एक ऐसा पार्टिकल जो किसी और पार्टिकल से नहीं बना हो पार्टिकल्स करेंटली थॉट टू बी एलिमेंट्री इंक्लूडेड फंडामेंटल फर्मियंस आर क्वार्क लेप्टॉन्स एंटी क्वार्क एंटी लेप्टॉन्स एज वेल एज वेल एज फंडामेंटल बोसोन तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल आप कह सकते हैं तो याद रखिए एंटी क्वार्क एंटी लेप्टॉन्स होते हैं विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन अल्फा पार्टिकल ये सारे चार्ज होते हैं जिसपे लेकिन न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है ओके एवंग द गिवन पार्टिकल न्यूट्रॉन इज फ्री ऑफ चार्ज अल्फा पार्टिकल जो होता है वो टू पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है और प्रोटोन जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है पार्टिकल वाइल चार्ज रिमेंबर पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल टू पॉजिटिव ओके प्लस टू अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्ज इट्स मास इज नियरलीट ऑफ तो रिमेंबर uh, होता है हीलियम टू तो हाईम के बराबर इसका मास होता है रिमेंबर दिसा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्ज इट्स मास इज वेरी नियरलीट ऑफ हिलियम यानी फोर रिमेंबर दिसिकल इज फास्ट मूविंग पार्टिकल कंटेनिंग टू प्रोटोन एंड टू न्यूट्रोन मास कितना हो गया दो प्लस दो यानी चार और हिलियम का कितना होता है चार तो वही यहां पर है न्यूक्लियन ऑफ एन

कुछ ही इंचेज एयर में चल सकता है एक अगर पतला स्थिन पेपर है उससे हम अल्फा पार्टिकल को रोक सकते हैं लेकिन वही गामा पार्टिकल होगा तो वो एलियम की न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हीलियम हैज के न्यूक्लियस में कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही बात किया कि दो प्रोटॉन होते हैं दो न्यूट्रॉन होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कॉन्टेंट न्यूट्रॉन इनमें से कौन जो है वो न्यूट्रॉन नहीं कंटेन करता है तो याद रखिए हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है एक यानी कि पहले प्रोटोन होगा तो एक ही प्रोटोन होगा बिकॉज प्रोटोन इक्वल टू क्या होता है नंबर ठीक है तो जब हाइड्रोजन का मासी एक है तो इसी में न्यूट्रॉन जीरो okay? no अगर वहीं अगर देखिए प्रोटोन प्रोटियम जो होता है अब हाइड्रोजन में हम बात करें तो प्रोटियम में वन एच वन याद रखिएगा इसको तो यहाँ पे हम जब कह रहा है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा यानी प्रोटियम की बात कर रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही मास होता है तो जब एक ही मास होगा तो उसमें न्यूट्रॉन होगा ही नहीं सिर्फ प्रोटोन होगा तो क्वेश्चन भी अपना क्या था कि कौन सा जो है वो न्यूट्रॉन नहीं कैरी करता है ठीक है वहीं पर अगर ट्रीटियम होगा तो वन एच थ्री होता है यानी कि उसमें एक तो आपका प्रोटॉन होगा लेकिन दो न्यूट्रॉन होंगे याद रखिएगा तो और ये भी एफ हंडा आपको पता होगा कि सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो तो उसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं तो यही आइसोटोप है कि एक पुर सब में एक प्रोटोन है वन 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 यानी एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन वही मास नंबर बात करें तो न्यूट्रॉन्स सब में अलग अलग हैं इसमें एक है इसमें एक है इसमें जीरो है इसमें एक है इसमें इस दो है तो सबके मास नंबर चेंज हो गए मास नंबर चेंज हो गया यानी कि वो आइसोटोप हो गया

ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज नो मास गा रेज रेज के पास नो no मास हो गया गामा रेडिएशन कैन ट्रेवल मच फास्टर स्पीड ऑफ लाइट इन दल्ड एयर अल्फा एंड बीटा तो याद रखिएगा अगर जैसे होता है ना कि अल्फ़ा पार्टिकल गीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल तो गामा रेडिएशन सा है ये मच फास्टर बहुत फास्ट चलता है इन दोनों से और ये वोल भी एलमुनियम सेट तक में कर सकता है तो अगर निगेटिवली चार्ज यहां पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बीटा पार्टिकल एन एन एम तो याद होगा आपको 1S, 2S करके आप ऑर्डर फिल करते थे कि मोस्ट स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कब रहेगी तो ये किसका प्रिंसिपल था तो अफूबाउ प्रिंसिपल को कहते थे हम

अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर्स टू तो देखिए क्वांटम नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो ये जनरली चार टाइप के होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्वांटम क्वांटम नंबर नंबर मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये साइज को बताता है सॉरी ओरिएंटेशन को बताता है ओरिएंटेशन को बताता है वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेप की तो ये बताया जाता है एजमूथल क्वांटम नंबर के द्वारा एजमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द गिवन ऑर्बिटल वाइल स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वहीं पे अगर प्रिंसिपल की बात करें तो एनर्जी लेवल के बारे में बात करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर्स टू ओरिएंटेशन अगला क्वेश्चन है द नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज इज 18 20 रेस्पेक्टिवली इट्स मास तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है एक एलिमेंट में 18 और 20 हैं तो इसका मास नंबर क्या होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जो इक्वेलेंट होता है प्रोटोन के और मास नंबर क्या होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के इक्वेलेंट क्या हो जाएगा अपना प्रोटोन यानी अट्ठारह और न्यूट्रॉन अपना ऑलरेडी दिया है बीस तो अठारह बीस कितना हो जाएगा मास नंबर थर्टी एट तो गिवेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वेंटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एटीन दस नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटीन तो मास नंबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी अठारह प्लस बीस टू अड़तीस तो ये सी आंसर हो गया तो तो अभी हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रॉन का तो मास में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है तो दो न्यूट्रॉन है दो प्रोटॉन है तो दोनों को मिलाकर के चार इसका मास नंबर हो जाएगा द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड कह रहा प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो मास नंबर यहाँ पे दिया है और

इन विच नंबर ऑफ प्रोटोन इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रोन इज डिफरेंट तो अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था कि नंबर ऑफ प्रोटोन अगर सेम से क्या कहते हैं सब में अगर ये एक एलिमेंट है तो यहाँ एटोमिक नंबर होता है जेड और यहाँ पे अगर हम मास नंबर देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटोन सब में सेम है और न्यूट्रॉन बदलता जाएगा तो मास नंबर चेंज होगा उस केस में क्या होगा आइसोटोप हो जाएगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अदर वर्ड सेम एटॉमिक एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास इच इंडिविजुअल आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा बट एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा वो सेम ओके okay? यानी बी देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साठ परसेंट क्वेश्चन आपका बीपीएससी में लिख के देता हूं कि यहीं से आने वाला है जितने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी से आएगा और कहीं से नहीं आएगा सिक्सटी नहीं तो फोर्टी टू सिक्स तो आप एक रेंज लेके चलिए और आएगा ही आएगा बेफिक्र जाइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करके जा रहे हैं इसी से आएगा ये गारंटी है अपनी तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आइसोटोप इज दी Atom, which, isotope, तीसरी बार रिपीट हो रहा है, और फोर्टी फर्स्ट बीपीएससी प्री 1996 में भी पूछा था जिसमें स्टाइल चेंज, चेंज हो जाता है प्रोटोन किसके बराबर होता है भैया प्रोटोन होता है एटोमिक नंबर के बराबर तो हम या तो लिखें नंबर ऑफ एटम्स इज सेम या फिर नंबर ऑफ प्रोटोन इज सेम बात बराबर ही है ठीक है अब यहां पे पूछ रहा है कि आइसोन्यूट्रिक ग्रुप इज फॉलोइंग अब आइसोन्यूट्रिक ग्रुप किसको कहते हैं तो ये देखिए आइसोन्यूट्रिक क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो उसको कहते हैं आइसोन्यूट्रिक तो अगर डी को हम देखें तो चौदह पंद्रह सोलह और एटॉमिक नंबर छह सात आठ मास नंबर क्या होता है मास नंबर टू प्लस न्यूट्रॉन तो चेंज हो रहा है छह से सात हुआ सात से आठ हुआ तो अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा अगर चौदह में से 6 को माइनस करें तो आठ तो यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर आठ है तो इसमें भी आठ है क्योंकि आठ सात पंद्रह आठ आठ सोलह तो सब में आठ न्यूट्रॉन है तो आइसो न्यूट्रिक न्यूट्रॉनिक यानी सब में न्यूट्रॉन जिसमें सेम हो उसको आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं दी न्यूक्लाइड्स आर आइसोन्यूट्रिक आइसोटोन इफ हैव वेरी सेम नंबर बट डिफरेंट प्रोटोन एग्जाम्पल बोरोनिक बट बोड कॉन्टेंट से आपको क्या मैंने बताया तो एज पर द्वेश्चन सब में देखिये न्यूट्रॉन कितना है 8 6 सी फोर्टीन सेवन एन फिफ्टीन एट ओ सिक्सटीन यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन ये डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो सब में एट है तो ये आइसोन्यूट्रिक

साइंटिस्ट के नाम पे ही जनरली इंस्ट्रूमेंट के नाम होते हैं उसी के जरिए ये नाम रखा गया है गेगा मुला ट्यूब अब यहाँ पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई तो बेक्यूरल थे इनके द्वारा रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया गया था वहीं पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो उसमें मैडम क्यूरी का बहुत बड़ा रोल था रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई एटी नाइनटी द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी वेक्वेरल वेन ही वॉज वर्किंग विथ फॉस्फोरेंट फॉस्फो मटेरियल्स, ओके okay? तो इस मटेरियल के साथ वो काम कर रहे थे उस समय इन्होंने हेनरी ने एक्टिविटी को डिस्कवर किया था इस चीज को आप याद रखेंगे तो गाइस, ये हो गए टोटल अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखिए कोई भी एग्जामिनेशन जो टीचर होता है वो सेट नहीं करता तो 100% परसेंट क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं लेता बट मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं पढ़ सकते हैं उसको आपको खुद से तैयार करना होगा इसमें से एक बेसिक या फिर एक ओवरव्यू या ये कहें तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट क्वेश्चन डिक्टो आपको आपको मिल जाएंगे। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा अगर सेशन अच्छा लगे, लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के ही अगले चैप्टर के साथ इसको एक से दो दिन में हम लोग केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की ओर मूव करेंगे जिसमें से सैंतीस से चालीस क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री और एंशेंट हिस्ट्री को मिलाकर आता है जिसमें से लगभग 20 से 25 तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है बीपीएससी में तो ये हर एक स्टेट पीएससी में फायदेमंद है और हाँ गाइस अगर आपको सपोर्ट करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स दी गई होंगी पेटीएम नंबर या फिर और यू पी दिए होंगे उस पर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तब तक के लिए ठीक है बाय